नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं सीता माता की निंदा करने वाले धोबी के पिछले जन्म की कथा। राम जी ने सीता माता को गर्भावस्था में त्याग दिया, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया? सीता माता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें ये दंड मिला। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था, उन्हीं में से एक राजा शीरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे, उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई, उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया, उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। ये दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेगी। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लेती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रेष्ठी यज्ञ से संपन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर सीता माता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, मैं उनका और क्या वर्णन करूं, इनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी, लेकिन तुम कौन हो? क्योंकि बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो नहीं हूँ। सीता माता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे,
जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछुड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।